नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे जयपुर के प्रजामंडल। जयपुर के प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। 1936 और 37 में चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष बने और सदस्य बने थे हीरा लाल शास्त्री और कपूर चंद पाटनी। यही कपूर चंद पाटनी दोस्तों, देखिए आप वापस आ रहे हैं, और हीरा लाल शास्त्री जो कि जयपुर के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, एक क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ प्रमुख व्यक्ति थे जो कि प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड थे, इसलिए उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन्हें सदस्य बनाया गया। तो एक प्रभावशाली व्यक्ति को ही सदस्य और अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके पश्चात ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, जिनका प्रमुख गीत है आपके प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, और इनके पत्नी का नाम रतन शास्त्री था, और इन्हीं के द्वारा टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे सेठ जमना लाल बजाज। हम इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कपूर को जलाओगे तो आपका बेटा मतलब लाल चिरंजीवी होगा और सेठ बनेगा। कपूर को जलाओगे जयपुर में तो आपका लाल चिरंजीवी होगा और बाद में सेठ बनेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। 1936-37 में चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष बने थे, हीरा लाल शास्त्री और कपूर चंद पाटनी उसके 1936-37 में इसका पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय उनके सदस्य थे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने सेठ जमना लाल बजाज। अब दोस्तों आता है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी, और इनके सदस्य थे माणिक्य लाल वर्मा और भूरे लाल बया। दोस्तों हम जानते हैं कि माणिक्य लाल वर्मा का संबंध आपके बिजूला किसान आंदोलन से था। 1927 में विजय सिंह प्रतीक जब चले गए थे बिजूला किसान आंदोलन छोड़कर, उसके बाद में माणिक्य लाल वर्मा ने ही उनका नेतृत्व संभाला था, और ये इनकी अभूतपूर्व जीत थी। 1941 में बिजूला किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, और ये उस समय उदयपुर के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता की और माणिक्य लाल वर्मा इन तीनों के मध्य समझौता हुआ था, और बिजोलिया किसान आंदोलन सफल हुआ था। इसलिए माणिक्य लाल वर्मा की बिजोलिया आंदोलन की सफलता के कारण भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। सबसे रियासत मजबूत थी, सबसे बलशाली थी, तो वो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल थी। इसीलिए मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बलवंत राय मेहता थे। अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और माणिक्य लाल वर्मा और भूरे लाल भैया इसके सदस्य थे। अब आता है दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ दोस्तों ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान में मारवाड़ का जो कोट है, मारवाड़ी कोट है, जोधपुरी कोट, मारवाड़ का जोधपुर नाम भी है, जोधपुरी कोट राजस्थान राष्ट्रीय पोशाक है। मतलब मारवाड़ और कोटा प्रजामंडल, इन दोनों की डेट सेम है दोस्तों। जैसे कोटा हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में हुई थी, और इसका 1938 में कोटा प्रजामंडल के अंतर्गत इसका वापस नाम परिवर्तित किया गया था, और इस संस्था भी परिवर्तित और अध्यक्ष भी परिवर्तित हुए थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में है, और हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में की गई थी। अब दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, जिस समय उनके अध्यक्ष भंवर लाल सराफ थे, और इसके अन्य सदस्य अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद थे। दोस्तों इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो भंवर होता है, जो राजपूती भंवर होते हैं, मतलब योद्धा जवान व्यक्ति, वो अभय होता है। अभय क्यों होता है? क्योंकि वो अभय होता है तो वो अचल रहेगा, मतलब डगमगाएगा नहीं। दोस्तों तो भंवर लाल सराफ और उसके बाद में अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई थी, और जिसमें उसके अध्यक्ष थे रणछोड़ दास घटानी। अब देखो दोस्तों मारवाड़ है और जय नारायण व्यास का नाम नहीं आए, ये हो भी नहीं सकता। तो जय नारायण व्यास इसके सदस्य थे, और अचलेश्वर प्रसाद और अभयमल जैन तो दोनों है ही, और
भीमराज मतलब जोधपुर में जयनारायण व्यास क्या है, भीम है जोधपुर के लिए, मतलब बलशाली है। तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में ही है। अब इसके अध्यक्ष बने थे मई 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी, और जयनारायण व्यास इसके सदस्य, अभयमल जैन इसके सदस्य, अश्लेष्वर प्रसाद इसके सदस्य, और भीमराज पुरोहित इसके सदस्य थे। अब देखो दोस्तों, कोटा प्रजामंडल, मैंने आपको कहा था कि जोधपुरी कोट राष्ट्रीय पोशाक है, अर्थात जोधपुर और कोटा प्रजामंडल इन दोनों का सेम है, मतलब एक जैसा है। जैसे आप देख सकते हैं 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और नयन भगवान के, प्रभु के नयन, मतलब नयनूराम शर्मा इसके अध्यक्ष थे और प्रभुलाल विजय इसके सदस्य थे। दोस्तों बूंदी आंदोलन के 1926 में हुआ था, उसमें भी पंडित नयनूराम शर्मा ही थे, ये वही पंडित नयनूराम शर्मा है। और बूंदी आंदोलन हुआ था 1926 में, जिसका नेतृत्व करता थे पंडित नयनूराम शर्मा, और इसी के अंतर्गत डाबी कांड हुआ था 1926 में, और नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। दोस्तों अब आता है 1938 में हाड़ौती प्रजामंडल का नाम परिवर्तित करते इसे कोटा प्रजामंडल नाम रखा गया, और नैनूराम शर्मा इसके प्रथम अध्यक्ष बने, अभिन्न हरि और तनसुख लाल मित्तल इसके सदस्य थे। अब हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा तन से सुख हमारे से अलग नहीं हो सकता, मतलब हमें गर्मी है तो हमें ठंडा पानी चाहिए और एसी चाहिए, मतलब तन का सुख है वो हमसे अभिन्न है, अलग नहीं हो सकता। अब आता है दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि चित्र के द्वारा देखिए, ये एक चिड़िया है, चिड़िया में सबसे पहले चिड़िया की चौंस आती है, मतलब ये धौलपुर है, धौलपुर के बाद में आपके भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, और सबसे अंत में करौली की स्थापना हुई। भरत धोया करो, भरत धोया करो, तो ये ट्रिक हो गई दोस्तों। 1936 सबसे पहले आता है, फिर देखो सबसे पहले कौन आ रहा, आंख आ रही है, मतलब ये वाला पोर्शन आ रहा, मतलब भरतपुर वाला आ रहा है। तो 1936, 1938 और 1939। अब देखो दोस्तों धोया किसने, धोया अपने कृष्ण भगवान ने, किसको धोया, कंस को धोया। तो धोया धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करे के अध्यक्ष होंगे कृष्णदत्त पालीवाल। भरतपुर को कहते हैं दोस्तों ब्रज क्षेत्र, और आप जानते हैं कि ब्रज क्षेत्र में किसका बोलबाला होता है, तो दोस्तों ब्रज क्षेत्र में गोपियों का बोलबाला होता है, अर्थात गोपी लाल यादव इसके अध्यक्ष होंगे। अब आता है दोस्तों करौली, अब किसकी जयकारा करो, तो दोस्तों तिलोकी के नाथ की जयकारा करोगे ना, तो आपका जो कुंवर होगा, मतलब आपका जो बेटा होगा वो चिरंजीवी होगा। अगर करो मतलब अगर आप तिलोकी के नाथ, मतलब कृष्ण भगवान की, तिलोकी के नाथ मतलब भगवान की अगर जय जयकार करो करो करोगे तो आपका कुंवर चिरंजीवी होगा। तो तिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह, तिलोक चंद माथुर इसके अध्यक्ष थे, ये बड़े जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं ये अध्यक्ष है, और चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह इसके अध्यक्ष थे। करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अप्रैल 1939 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, इसके अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल, इसके सदस्य थे मूल चंद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने धोया कंस को और उसके मूल को उखाड़ दिया, मूल से उखाड़ कर फेंका, क्योंकि वो बहुत ज्वाला थी उनमें, कृष्ण भगवान के अंदर ज्वाला थी, इसलिए कंस को मूल से उठा के फेंक दिया मथुरा से। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, जिसमें उसका नाम परिवर्तित करके 1939 में कर दिया भरतपुर प्रजा परिषद, और गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे, किशन लाल जोशी, दोस्तों सभी कृष्ण भगवान के ही नाम है, किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी और ठाकुर देशराज और मास्टर आदित्यनाथ। किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठाकुर देशराज और मास्टर आदित्यनाथ का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से। दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं कि मास्टर आदित्यनाथ का संबंध किससे है, भरतपुर। मास्टर साहब कहाँ पाए जाते हैं, भरतपुर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, अक्टूबर 1936 में। इसके अध्यक्ष थे वेद मग्गा राम और इसके सदस्य थे लक्ष्मण दास स्वामी। देखिए आप, ये मग है, मग के अंदर आपके मग को के अंदर दूध है, वो दूध कौन पी रहा है, लक्ष्मण दास स्वामी पी रहे। आपको पता है कि दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ था, जिसके अंतर्गत वेद मग्गा राम और रघुवीर दयाल गोयल, हनुमान सिंह आर्य
इसके सदस्य थे। तो ये वही वेद मग्गा राम है और रघुवर दयाल गोयल है। तो दोस्तों 1942 में इसका नाम परिवर्तित होकर हुआ था बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, और इसके अध्यक्ष बने थे बाबू रघुवर दयाल गोयल। बीकानेर रियासत में जो वर्तमान में चुरू में आता है दूधवा खारा आंदोलन, उसकी ट्रिक्स हमने देखी कि एक हमने बताया था कि एक मग होता है और उस मग में आपके उस मग में हनुमान जी रघुवर जी रघुवर मतलब भगवान रघुवर के आशीर्वाद से वो दूध पी रहे, तो इसकी ट्रिक्स थी। अब हम देखेंगे कि अक्टूबर 1936 में बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना आपके वेद मग्गाराम और लक्ष्मणदास स्वामी के द्वारा की गई थी। वेद मग्गाराम इसके अध्यक्ष थे और लक्ष्मणदास स्वामी इसके सदस्य थे। जुलाई 1942 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, और बाबू रघुवर दयाल गोयल इसके अध्यक्ष हुए थे। तो दोस्तों हम देख चुके हैं बीकानेर, ये आपके प्रजामंडल का एक भाग हम देख चुके हैं। अगले भाग में हम देखेंगे अन्य प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सेंड कीजिएगा दोस्तों को, और भी कोई अगला टॉपिक हो हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। दोस्तों अंत में मैं एक उक्ति कहना चाहूँगा, हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर फे कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले है ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।